क्या आप 20,000 के अंदर फ़ोन चाहे आप ढूंढ रहे हैं वही 5G कनेक्टिविटी के साथ, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 5G फ़ोन्स बताएंगे जो 20,000 के अंदर आते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे और आप देख रहे हैं ITG नेटवर्क। चलिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए। आपके लिए लिखा है टॉप 5 में रियलमी 8 5G, आपको नाम से मान चलता है कि 5G फ़ोन है, जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको 16,999 रुपये में मिलेगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा बैक साइड में, जो जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, उसके बाद 22 मेगापिक्सल का स्मॉल कैमरा है। उसके बाद इसका सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा इसमें 60 मेगापिक्सल का है। 5,000 mAh की बैटरी है इसमें। अब बात करें रैम का, तो रैम इसमें 8GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज है और 1 TB तक आप बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं इसका डिस्प्ले साइज़ का, तो डिस्प्ले साइज़ है इसका वो 6.5 इंचेस का है और इसमें एंड्रॉयड 11 का आपको सपोर्ट मिलता है। अब बात कर किया जाए इसका बैटरी का, बैटरी बैकअप तो 5,000 mAh की बैटरी है, तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और प्राइस की बात करें तो 16,999 रुपये तक पड़ेगा आपको। और इसमें आप अगर आपको फोटो शौक है, गेम खेलते हैं, तो अभी आपके लिए अच्छा फ़ोन। चलिए अगला फ़ोन की बात करते हैं। टॉप 4 में लेके आए हैं आपके लिए रेडमी नोट 10T 5G, जिसमें आपको 6GB रैम मिलता है और 128GB तक आपका इंटरनल स्टोरेज है। और इसमें आपको 1 TB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब कि आप मेमोरी कार्ड लगा के 1 TB तक आप बढ़ा सकते हैं इसको। जहाँ तक इसके प्राइस की बात करें, 17,999 रुपये तक आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिलेगा। और बात किया जाए इसका कोड प्रोसेसर का, तो इसमें मीडियाटेक का कोड प्रोसेसर लगा हुआ है और इसमें एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट आपको मिलता है। इसमें भी आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलता है, जो बहुत अच्छा है। और इसमें आप चलिए बात करें आप कैमरा के, तो इसमें ट्रिपल कैमरा है पीछे बैक साइड पे, जो 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और तो 22 मेगापिक्सल का कैमरा लगे हुए। अब बात करें सेल्फी कैमरा का, तो सेल्फी कैमरा जो है 8 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, तो सेल्फी कैमरे के मामले में जो है वो थोड़ा कम दिया हुआ है सेल्फी कैमरा में। तो आप देख सकते, आप ले अगर सेल्फी में नहीं वीडियो में बनाना चाहते तो आप ले सकते हैं फोन को। अब बात किया जाए इसके इसके रैम का, तो इसका रैम आपको 4GB रैम मिलता है और 6GB रैम में मिलता है, तो आपका जो चॉइस रहेगा उस चॉइस में आप ले सकते हैं इसको फ्लिपकार्ट से। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6GB रैम में लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको जो वही लीजिए। अब बात किया जाए ओप्पो A3 को A53 का 5G, आपको इसके नाम से मालूम चल रहा है कि ये 5G फ़ोन है और ये टॉप 3 में है। तो ये जो 5G फ़ोन है आपको 17,990 रुपये का तक आएगा, मतलब ऑलमोस्ट आपके 18,000 के आसपास तक आ जाएगा। और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे दोनों साइड पे अवेलेबल है। इसमें इसमें आपको 8GB रैम मिलेगा और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, आप मेरे पिछले फ़ोन में जो था वो 6GB रैम मिल रहा था, इसमें 8GB रैम मिल रहा है। और इसके जो प्राइस की बात की जाए तो इसमें 17,990 रुपये का है, मतलब ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास है। इसके बाद इसमें कैमरा की बात की जाए तो इसमें कैमरा जो है वो 30 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है पीछे बैक साइड का और 22 मेगापिक्सल का है, मतलब टोटल ऑलमोस्ट बात की जाए इसमें ट्रिपल कैमरा पीछे दिया हुआ है और आगे जो दिया है 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। सेल्फी कैमरा भी थोड़ा 8 मेगापिक्सल का, तो भी अच्छा है बात है। इसमें आपको 5,000 mAh की बैटरी मिलता है, जो लॉन्ग लाइफ बैटरी है। और इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलता है। इसमें मीडियाटेक का कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। आप इसका जो जो रैम है वो आप 6GB रैम और 8GB रैम में आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आप
आपके लिए टॉप टू में लेके आया हूँ रियलमी X7 5G, जिसमें आपको 6GB रैम मिलता है और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। अगर आप बहुत आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप कहीं पे जाते आप फोटो आपको खींचने बहुत अच्छा शौक है तो ये फ़ोन आप ही के लिए, क्योंकि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का आपको बैक कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल का आपको नॉर्मल कैमरा मिलता है, मतलब कि ट्रिपल कैमरा है बैक साइड पे और आगे जो आपको है वो 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप कहीं भी आते हैं तो थोड़ा कलर जो है आप आजू बाजू कलर जो रहता है वो आपको अगर अच्छा मेगापिक्सल से आपको अच्छा फोटोज आते हैं। तो इसके प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 19,000 के आसपास है, 18,999 तक आपको मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 6GB रैम मिलेगा और आपको 128GB तक इंटरनल स्टोरेज। और बात की जाए इसका डिस्प्ले का, तो इसमें आपको सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको ये सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिलेगा, इसमें आपको 6.4 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलेगा। अब इसके प्राइस की बात करें तो 19,000 के आसपास में आ जाएगा, इसलिए आपको इस टॉप टू में रखा। अब बात किया जाए टॉप वन के लिए, आपको इसलिए आपको लिखा है सैमसंग गैलेक्सी A22 5G, आपके लिए लिखा है टॉप वन में सैमसंग गैलेक्सी A22 5G, जिसमें आपको 6GB रैम मिलता है और 128GB तक आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है। ये बहुत बड़ा इंटरनल स्टोरेज है, आप इसमें कुछ वीडियोस फोटोज आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आप 1 TB तक आपको एक्सपैंड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा सके। आपको इसमें डिस्प्ले साइज मिलता है 6.6 इंचेस का आपको डिस्प्ले साइज मिलता है। और इसमें बात किया जाए कैमरा का, तो कैमरा इसमें आपको बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा है, 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल है। बात किया जाए इसका सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी कैमरा आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। अब बात करें इसका बैटरी का, तो बैटरी बैकअप जो है वो 5000 mAh का आपको बैटरी दिया हुआ है, जो बहुत अच्छी बैटरी है। अगर आप गेमिंग खेलते हैं तो आपको 5000 mAh की बैटरी में आपको बहुत देर तक, मतलब आप आराम से 12 घंटे तक आप आराम से गेम खेल सकते हैं इसमें। अब बात करें इसमें एंड्रॉयड का, तो इसमें एंड्रॉयड 11 आपको मिला हुआ है और इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। बात करें इसका प्राइस का, तो प्राइस इसका है 20,498, मतलब ऑलमोस्ट आपको 20,500 तक आएगा आपको आराम से। तो इसको आप ऑनलाइन से, आप फ्लिपकार्ट और तो अमेजोन से दोनों जगह से आप बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि 5G फ़ोन है आपके लिए, आई टॉप वन में है। चलिए वीडियो यहीं पे आप खत्म करोगे। अभी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।